नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी एंड टारगेट में। आज की क्लास में दोस्तों हम सीखेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, मतलब लेखांकन की शब्दावली के बारे में। आइए जानते हैं आज के क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज के क्लास में हम सीखेंगे क्रय वापसी अर्थात परचेज रिटर्न के बारे में, विक्रय वापसी अर्थात सेल्स रिटर्न के बारे में, इसी तरह से लेनदार अर्थात क्रेडिटर्स के बारे में, देनदार अर्थात डेटर्स के बारे में, डूबत ऋण अर्थात बैड डेट्स के बारे में, राजस्व अर्थात रेवेन्यू के बारे में, व्यय अर्थात एक्सपेंसेस के बारे में, आय अर्थात इनकम के बारे में, दायित्व अर्थात लाइबिलिटीज के बारे में और वाउचर अर्थात रशीद के बारे में आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग के कुछ शब्दों को बतलाया था। अगर आप उन शब्दों को न जानते हो तो पहले उन शब्दों को भी आप जान लीजिए, फिर इन शब्दों को जानिए, ताकि आपको टैली सीखते वक्त किसी भी शब्द से प्रॉब्लम न हो और कोई भी शब्द आपको तकलीफदायक न लगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे क्रय वापसी अर्थात परचेज रिटर्न के बारे में। आइए जानते हैं क्रय वापसी या परचेज रिटर्न क्या होता है। जब बेचने के लिए खरीदा गया माल किसी कारण से वापस कर दिया जाता है तो उसको हम क्रय वापसी या परचेज रिटर्न कहते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी दुकान में बेचने के लिए किसी माल का ऑर्डर किया और उस माल में से एक कार्टून माल जो है फटा हुआ निकल गया, तो आप क्या करिएगा, उस माल को आप रिटर्न कर दीजिएगा जहां से खरीद के लाए थे उसे। तो इसी वापसी को हम क्रय वापसी या परचेज रिटर्न कहते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि आपने लक्स साबुन का ऑर्डर दिया कि मुझे लक्स साबुन चाहिए अपनी दुकान में बेचने के लिए, लेकिन सप्लायर ने आपको लक्स की जगह गलती से नीमा सैंडल साबुन भेज दिया, तो आप क्या करेंगे, आप इस अवस्था में भी नीमा सैंडल साबुन को वापस कर देंगे। तो इस वापसी को भी हम परचेज रिटर्न या क्रय वापसी कहते हैं। आइए आगे समझते हैं विक्रय वापसी या सेल्स रिटर्न। आइए जानते हैं विक्रय वापसी या सेल्स रिटर्न क्या होता है। जब बेचा गया माल हमारा ग्राहक या कस्टमर किसी कारण से हमें लौटा देता है तो इस प्रकार की वापसी को हम विक्रय वापसी या सेल्स रिटर्न कहते हैं। मान लीजिए आपने अपने कस्टमर को कुछ माल बिक्री किया, उन मालों में से एक कार्टून जो है वो फटा हुआ निकल गया, तो ऑफ कोर्स आपका कस्टमर जो है उस माल को आपको रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से बेचा गया माल आपका वापस आ जाता है, इसी वापसी को हम विक्रय वापसी या सेल रिटर्न कहते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि आपके कस्टमर ने अर्थात आपके ग्राहक ने आपको लक साबुन देने को कहा और गलती से आपने उसके थैले में नीमा सैंडल साबुन दे दिया, ग्राहक लेकर चला गया और फिर एक दो दिनों के बाद ग्राहक जो है आपको ये साबुन वापस कर देता है ये कहकर कि उसने लक्स मांगा था और आपने नीमा सैंडल दे दिया। इस अवस्था में भी आप उससे माल को वापस ले लेते हैं, यानी बेचा हुआ माल आपका वापस आ जाता है। तो इस वापसी को भी हम सेल्स रिटर्न या विक्रय वापसी कहते हैं। आइए आगे समझते हैं लेनदार अर्थात क्रेडिटर क्या होता है। लेनदार या क्रेडिटर उस व्यक्ति या फिर संस्था को कहते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है। मान लीजिए कि आप अपने व्यवसाय के लिए जिस दुकानदार से माल उधार खरीद के लाते हैं वो दुकानदार आपका लेनदार या क्रेडिटर्स कहलाता है, क्योंकि आपने वहां से उधार माल खरीदा है और भविष्य में आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे अपने उधार माल के लिए। आइए आगे समझते हैं देनदार अर्थात
डेटर्स क्या होता है? वह व्यक्ति या फिर कोई संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं लेती है वो देनदार या डेटर्स कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा ग्राहक ही हमारा डेटर कहलाता है। अगर वो हमसे उधार माल या सेवाएं लेता है तब आइए एक सुंदर एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह एक दुकानदार है और ये ग्राहक है। मान लीजिए कि ये जो ग्राहक है ये इस दुकानदार से उधार माल खरीद कर ले जा रहे हैं। तो ये जो इनकी उधारी है अर्थात उधार माल खरीदने के बाद ये इनके डेटर्स बन जाते हैं अर्थात देनदार, क्योंकि इन्होंने उधार माल खरीदा है, भविष्य में इनको इस उधार माल के लिए इस दुकानदार को पैसे चुकाने पड़ेंगे अर्थात ये डेटर्स या देनदार कहलाएंगे। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा ग्राहक जो हमसे उधार माल खरीद के ले जाता है वही हमारा देनदार या डेटर कहलाता है। आइए आगे समझते हैं डूबत ऋण या बैड डेट्स क्या होता है। व्यापारी को उधार बेचे गए माल की रकम अपने डेटर्स यानी देनदारों से पूरा मिल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए उस उधार की रकम में से जो वसूल नहीं हो पाती है उसे व्यापारी का डूबत ऋण या बैड डेट्स कहते हैं। आइए आपको एक सुंदर एग्जाम्पल से इसे समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपने किसी को उधार माल बेचा और वो आपका उधार माल लेकर भाग गया, पैसे चुकाने वापस नहीं आया। तो इस अवस्था में आपने उसे जितने का भी उधार माल बेचा था वो सारा रकम आपका डूब गया। इसी को हम डूबत ऋण या बैड डेट्स कहते हैं। आइए एक सुंदर एग्जाम्पल और देता हूं। मान लीजिए कि आपने किसी को उधार माल बेचा और वो उधार माल खाकर मान लीजिए कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इस अवस्था में उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो उसने जितने का भी आपसे उधार माल खरीदा उस रकम को कौन चुकाएगा? वो रकम भी आपका डूब गया। यानी इस अवस्था में भी जो आपका रकम डूब गया वो आपका डूबत ऋण या बैड डेट्स कहलाता है। आइए आगे समझते हैं व्यय या एक्सपेंसेस क्या होता है। माल को बनाने या लाने से लेकर उसे बेचने तक जो भी खर्चे होते हैं वो व्यय या एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, गाड़ी का भाड़ा, किराया, वेतन आदि। आइए सुंदर एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आप माल को बनाने के लिए अपने फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ता है। ये बिल आप किस लिए भर रहे हैं? माल को बनाने के लिए, यानी ये आपका खर्चा है। इसी तरह से माल को बनाने के बाद आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं या फिर माल बनाने के लिए आप कच्चा माल मंगवाते हैं, तो उसके लिए आपका गाड़ी का भाड़ा लगता है। ये भाड़ा भी क्या है? आपका एक्सपेंसेस है। इसी तरह से मान लीजिए कि आपने एक दुकान किराए पर ले रखा है, तो इस दुकान का आपको किराया देना पड़ता है, तो ये किराया भी आपका क्या है? एक्सपेंसेस अर्थात व्यय है। इसी तरह से आपने 2, 4, 10, 20, 50, 100 जितने भी स्टाफ रखे हुए हैं सारे स्टाफ को आप सैलरी देते हैं, तो ये सैलरी भी क्या है? ये सैलरी भी एक्सपेंसेस या व्यय कहलाता है। देखिए व्यय जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला प्रत्यक्ष व्यय या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अप्रत्यक्ष व्यय या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आइए इनके बारे में आपको बतलाता हूं। देखिए प्रत्यक्ष व्यय या डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? माल को बनाने में या फिर एक जगह से खरीदकर दूसरी जगह तक लाने तक जो भी खर्चा होता है उसे प्रत्यक्ष व्यय या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, जैसे गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, बिजली का बिल आदि। आइए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आप अपने कंपनी में माल को बनाते हैं,
तो माल को बनाने के लिए सबसे पहले आप कच्चा माल खरीद कर लाते हैं, तो कच्चा माल खरीदने के लिए आप वहां पर कच्चे माल का कीमत देते हैं। उसी तरह से माल को मंगवाने के लिए आप गाड़ी का भाड़ा देते हैं, तो ये भाड़ा, माल को खरीदने के लिए दिया गया रकम, ये सब क्या है? ये आपके डायरेक्ट खर्चे हैं, क्योंकि आप जो भी चीज का व्यापार करते हैं उसके लिए ये खर्चा कर रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए माल को गाड़ी में लोड करने के लिए आप मजदूरी देते हैं, तो ये मजदूरी भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। इसी तरह से मान लीजिए माल को बनाने के लिए आप अपने फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल अर्थात बिजली का बिल भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। देखिए, सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो खर्चा आप जिस चीज का व्यवसाय करते हैं उस माल के लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका गोलदारी दुकान है, आप गोलदारी दुकान में चावल खरीदकर एक जगह से दूसरी जगह अर्थात अपनी दुकान तक लाते हैं, तो चावल को एक जगह से खरीदकर अपनी दुकान तक लाने तक जो भी खर्चे आप करते हैं वो सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। आगे देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अर्थात अप्रत्यक्ष व्यय। अब देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? माल को बेचने के लिए किया गया खर्चा अप्रत्यक्ष व्यय या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन, छूट या डिस्काउंट आदि। मान लीजिए माल तो बनाकर आपने तैयार कर लिया है या दूसरी जगह से माल खरीद कर लाके दुकान में तो आपने भर लिया है, लेकिन उस माल को बेचने के लिए आप क्या करते हैं? बेचने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट से लोग आकर्षित होते हैं और आपका माल बिक्री होता है, और इस एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसी तरह से अधिक कस्टमर को आकर्षित करने के लिए आप अपने माल पर डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं, ताकि अधिक से अधिक कस्टमर अर्थात ग्राहक आपके दुकान की तरफ आकर्षित हो और आप अपने माल को बेच सके। तो ये एडवर्टाइजमेंट, छूट आदि, ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। आइए आगे समझते हैं इनकम क्या होता है। देखिए, रेवेन्यू या राजस्व में से एक्सपेंसेस या खर्चा को घटाने के बाद जो बचता है उसे ही इनकम कहते हैं। अब देखिए, रेवेन्यू या राजस्व क्या होता है समझिए। बाजार में मान लीजिए आप जितने का भी माल बिक्री करते हैं, माल बिक्री करने के बाद आपके हाथ में जितना भी रुपया आ जाता है वो आपका रेवेन्यू या राजस्व कहलाता है। मान लीजिए कि आपने बाजार में जितना भी माल बेचा सब बेचकर आपके हाथ में 1,000 रुपया आया, तो ये 1,000 रुपया आपका रेवेन्यू कहलाएगा। इसमें से मान लीजिए कि आपने अपने जितने भी आपके खर्चे थे माल को बनाने में, लाने में, वो सारे खर्चे आपने माइनस कर दिए। मान लीजिए कि 700 रुपया आपने खर्चा किया था, तो 700 रुपया आपने माइनस कर दिया, तो 700 माइनस करने के बाद आपके पास कितने बचे? 300 रुपया। यानी कि ये 300 रुपया जो है यही आपका इनकम कहलाएगा। आइए आगे समझते हैं कि इनकम कितनी तरह का होता है। देखिए, इनकम भी दो तरह के होते हैं, पहला प्रत्यक्ष आय या डायरेक्ट इनकम, दूसरा अप्रत्यक्ष आय या इनडायरेक्ट इनकम। अब देखिए, डायरेक्ट इनकम ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। माल को बेचकर जो हम आय या इनकम करते हैं वो हमारा डायरेक्ट इनकम या प्रत्यक्ष आय कहलाता है। मान लीजिए कि आप चावल और दाल का व्यापार करते हैं, तो चावल दाल का आपका अपना व्यापार है, इस माल को बेचने के बाद आपको जो भी इनकम हो जाता है वो आपका आय या इनकम कहलाता है। अब इनडायरेक्ट इनकम या अप्रत्यक्ष आय क्या होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। हमारा जो व्यापार है उसे छोड़कर अगर हम किसी और माध्यम से आय या इनकम करते हैं तो वह हमारा इनडायरेक्ट इनकम या अप्रत्यक्ष आय कहलाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए कि आपका चावल और दाल का बिजनेस है, तो उस बिजनेस से पैसे तो आप कमाते हैं, तो वो आपका डायरेक्ट इनकम कहलाता है, लेकिन उसे छोड़कर अगर आप किसी और माध्यम से पैसा कमाते हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका अपना एक लॉरी है, गाड़ी है, आप इस गाड़ी को किसी और को भाड़े पर देते हैं कि लो भाई मेरा गाड़ी ले जाओ, अपने माल को यहाँ से वहां रख लो। तो जब आप इस गाड़ी को भाड़े पर देते हैं तो इसका भाड़ा आपको मिलता है, तो ये जो भाड़ा है ये आपका इनडायरेक्ट इनकम है।
क्योंकि गाड़ी भाड़े पर देना ये आपका व्यापार नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए कि आपके दो और दुकान हैं, इन दोनों दुकानों को आपने किसी और को किराए पर दे रखा है, तो इससे जो आपको किराया मिलता है वो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि आपका दुकान का बिजनेस नहीं है बल्कि आपका बिजनेस चावल और दाल का है। आइए आगे समझते हैं दायित्व अर्थात लाइबिलिटीज क्या होता है। वो सारे ऋण जो हमारे व्यापार को अन्य व्यक्तियों या संस्थानों को चुकाने या देने हैं, उसे ही व्यापार का लाइबिलिटीज या दायित्व कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए कि आपने अपने व्यापार में माल तो खरीद के लाया है, लेकिन बहुत से माल आपने दूसरे दुकान से उधार खरीद के लाया है, तो जहां से माल आपने उधार खरीदा है उसको तो पैसे चुकाने हैं, और ये पैसे कौन चुकाएगा, ये पैसा आपका व्यापार चुकाएगा, बिजनेस चुकाएगा। तो ये उधार जो होता है ये बिजनेस का लाइबिलिटीज या दायित्व कहलाता है। इसी तरह से मान लीजिए कि आपने एक लॉरी खरीद रखा है, और ये लॉरी जो है आपने इंस्टॉलमेंट में खरीद रखा है, तो इसका इंस्टॉलमेंट आप भरते हैं महीने महीने, तो इसका इंस्टॉलमेंट कौन पेट करता है, इसका इंस्टॉलमेंट आपका व्यापार पेट करता है, ये भी व्यापार का दायित्व है। इसी तरह से मान लीजिए कि आपने एक दुकान बैंक से लोन लेकर खरीदा है, तो बैंक का लोन भी आप चुकाते हैं, तो ये महीने महीने आप बैंक का जो लोन चुकाते हैं ये भी एक तरह का उधार है, और ये भी बिजनेस का दायित्व है। तो इसे ही हम लाइबिलिटीज कहते हैं, यानी कि लाइबिलिटीज का अर्थ होता है कि वो सारे ऋण या उधार जो आपके बिजनेस को चुकाना पड़ता है उसे ही हम लाइबिलिटीज या दायित्व कहते हैं। आइए आगे समझते हैं दायित्व कितनी तरह के होते हैं। देखिए लाइबिलिटीज दो तरह के होते हैं, एक होता है चालू दायित्व अर्थात शॉर्ट टर्म या करेंट लाइबिलिटीज, दूसरा होता है अस्थाई दायित्व अर्थात लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड लाइबिलिटीज। अब देखिए चालू दायित्व या शॉर्ट टर्म या करेंट लाइबिलिटीज क्या है, जो ऋण हमारे व्यापार को एक साल के अंदर ही दूसरों को चुकाना या देना पड़ता है उसे हम चालू दायित्व या शॉर्ट टर्म या करेंट लाइबिलिटीज कहते हैं। और लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड लाइबिलिटीज या स्थायी दायित्व क्या होता है, जो ऋण हमारे व्यापार को चुकाने या देने में एक साल से अधिक का वक्त लगता है उसको हम लॉन्ग टर्म या फिर फिक्स्ड लाइबिलिटीज या अस्थायी दायित्व कहते हैं। आइए आगे समझते हैं वाउचर के बारे में। देखिए वाउचर क्या होता है आइए जानते हैं। माल की खरीद या बिक्री करते समय व्यापारी जो प्रमाण या सबूत अर्थात डॉक्यूमेंट देता है या फिर लेता है उसे ही वाउचर या फिर रसीद कहते हैं। मान लीजिए आप किसी भी दुकान से जब माल खरीदते हैं या माल को आप अपने दुकान से किसी को बेचते हैं तो आप क्या देते हैं, बिल। तो ये बिल जो होता है ये वाउचर कहलाता है। इसी तरह से कई जगह आपको इनवॉइस मिलता है, कहीं पर आपको रिसीट मिलता है, तो ये बिल इनवॉइस रिसीट ये सभी वाउचर के एग्जाम्पल है, इन्हें ही हम वाउचर कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल टेक्नोलॉजी एंड टारगेट को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।